हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम आए हैं गाला ऋषि के तपस्थली गणेश्वर धाम। तो हम आपको दर्शन कराएंगे इधर गाला ऋषि कुंड के, जो आपने कभी पहले देखा नहीं होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये पड़ता है अपने नीम कासाना तहसील में, सीकर जिले के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर गाला ऋषि ने गंगा की प्रतिष्ठा की थी। तो यहाँ पर ये गर्म पानी आता रहता है हमेशा 24 घंटे, मतलब 12 महीने 24। अरे कहना क्या चाहते हो? 12 महीने गर्म पानी आता रहता है। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जैसे पुराने टाइप के घर वगैरह बने हुए हैं। बंदर ना पकड़ना है, बंदर पकड़ ना रहे। ये हनुमान जी महाराज खड़े हैं। और यहाँ पर क्या है, गाला ऋषि कुंड, गाला कुंड नाम से एक कुंड है जिसमें पानी आता रहता है। जहाँ पे गाला ऋषि ने गंगा की प्रतिष्ठा की थी। तो यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि वो पानी आता कहाँ से है। अब वैसे ही सेम ऐसा गलता जी ने भी है जयपुर के अंदर, जो वहाँ पर भी पानी की, वहाँ पर बैठे पानी की छोटी धार आती है। तो दिखाते हैं हम आपको इधर सामने से, देखिए यहाँ पे शिव मंदिर भी है। ये बंदर भाई साहब इधर पानी पी रहे हैं। बंदर है सही पानी पी रहे। और ये है शिवालय, प्राचीन शिवालय। और इधर शिव मंदिर है। और आगे जो सामने देख रहे हो वहाँ पे गाला गंगा है। तो इधर श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी विराजमान है। यहाँ पर दो कुंड बने हुए हैं, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए। इधर वाला ये पुरुषों के लिए, इधर महिलाओं के लिए है। तो अभी इस कुंड में हम स्नान करेंगे और बाकी आपको शिवलिंग वगैरह के दर्शन, आपको कुछ और चीज़ देखने को होगी बाद में दर्शन कराते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से पानी आता रहता है हमेशा। आज जतिन है 12 महीने चलता रहता है और गर्म पानी आता है यहाँ से। तो ये देखिए गौमुख से 24 घंटे गर्म पानी आता रहता है, चाहे सर्दी का टाइम हो चाहे कुछ भी हो। ये भाई साहब यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो अब हम भी एक दो डुबकी लगाते हैं इसी के अंदर और मिलते हैं आपको वीडियो के बाद में। बारह छह महीने प्रवाहित होती रहती है। जब एक गाला ऋषि ने प्रतिष्ठा की थी इसकी। और यहाँ पर हमेशा गर्म पानी आता रहता है। और ये जो कुंड बना हुआ है ये पुरुषों के लिए बना हुआ है, महिलाओं के लिए उधर बना हुआ है उस साइड दूसरी तरफ। और ये भाई मस्त तरीके से स्नान कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये है महादेव जी का मंदिर जो गाला ऋषि की तपोस्थली पे है। और गाला ऋषि ने इनकी शायद स्थापना की है या स्वयंभू शिवलिंग है, ये हमको इतना ध्यान नहीं है। तो इधर इसके पीछे की तरफ गाला गंगा है जो गाला ऋषि ने प्रतिष्ठा की है गंगा जी की, जो गलता जी में बहती है वही गंगा। ये है गाला गंगा के पीछे का दृश्य कुछ। ये पहाड़ है जिसमें से पानी निकलता है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कोई पानी कहाँ से आता है, कैसे आ रहा है। और वो पानी गर्म आता है हमेशा, 12-6 महीने चलता रहता है। और मैं आपको ऊपर जाके थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ के दृश्य दिखाता हूँ। ये इधर हमारे जतिन भाई साहब आ रहे हैं ऊपर की तरफ कोशिश करते हुए। और ये पहाड़ बहुत लंबा है,
अगर थोड़ी ठंड होती है तो मैं चढ़ने की कोशिश करता है इसके ऊपर। और इधर वाला, इधर ही ऐसा कुछ दृश्य है। और ये थोड़ा और ऊपर जाकर दिखाते हैं आपको कैसा क्या देखते हैं गणेश्वर धाम। काल रात्रि कल्याण बराबर कोई नहीं कि बराबर कोई नहीं। ये थक गए जतिन भाई साहब, पहाड़ तो वो है यार इसके ऊपर चढ़े ना। अब भाई जतिन भाई साहब पूछ रहे कि लोग माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ जाते हैं, उनमें जुनून होता है अपनी तरह है। वैष्णो माता के 16 किलोमीटर के। और ये ऐसा कुछ दृश्य आता है ऊपर से भाई साहब, थोड़ा ऊपर और ऊपर जाकर कैप्चर करते हैं। बादलों को पार करते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं। अरे यार मस्त चल रही है यहाँ पे। वहाँ पर ये ठाकुर जी के मंदिर का ध्वज लहरा रहा है, और जो पीले कलर का दिख रहा है वो महादेव जी के मंदिर का ध्वज है, जो मैंने माता जी से पूछा कि स्वयंभू शिवलिंग बताते हैं कि सेम डे प्रकट हुए थे गंगा जी और तो वो महादेव जी। और ये जगह पड़ती है भैया नीम का थाना, तो ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे आपको आना चाहिए और मेरी तरफ से रिकमेंडेड जगह है। और पहाड़ पे चढ़ने का आनंद, ये सीढ़ियाँ सी बनी है यार हैं। ये एक और तेरे को पहाड़ दिखाऊंगा मैं तेरे को अजीतगढ़ में, वहां पे ऐसे है जैसे जोड़ की खुदाई होती हुई, देखिए तने जोड़ की खुदाई होती हुई, वो बाटे से निकल जाते हैं, एक बाटा दूसरे को ऊपर जचा दिया, दूसरा बाटा तीसरे को ऊपर जचा दिया, इस तरीके का पहाड़ है वो। ये भैया हैं, हाँ नेचुरल है। चढ़े तो तरी ये सारे मंदिरों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं यहाँ से, पहाड़ी के ऊपर से शानदार हवा चल रही है, वो मजा आ रहा है। ये इधर गौशाला बनी हुई है, थोड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। थक गया क्या? चलो ये चढ़ाई पे अपन चढ़ गए, फतेह कर लिया, झंडा लेके नहीं आया, वो चढ़ाई के ऊपर चढ़े हैं। क्या कह रहा है? सोचो मत करो यार, सोचो मत करते हैं। भाई अब उस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, अब जोश आ गए हैं भाई लोग। एक पहाड़ को फतेह करने के बाद फील मोटिवेटेड। सो गिर जाऊंगा पर मरूंगा नहीं, मैं इतना पता है मेरे को। इस पहाड़ में चढ़ाई करने में मजा आ रहा है यार, ग्रिप है, ग्रिप बन जाती है, चलता नहीं। भैया गोप्रो नहीं लेके आए थे हम, एक्चुअल में कोई कुछ रिकॉर्ड करने का विचार ही नहीं था मेरा, इसलिए गोप्रो मैंने मंगवाया नहीं। तो आज सोचा
थोड़ा अपना फियर को दूर करते हुए कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो ये मोबाइल से ही कर रहे हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जैसे भी आगे कुछ होता है देखने के लिए हम आपको दिखाते हैं। इधर से जाना पड़ेगा थोड़ा, वापिस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके। चलो इधर से निकलते हैं। पे लगा हुआ कैमरा, वो वाला कैमरा GoPro ही होता है, सिर पे लगा हुआ। उसका एक चेस्टी माउंट भी आता है। ओह आधे से ज़्यादा कवर कर लिए हम लोगों ने पहाड़। वाह आधा मेरे शेर, आधा आधा आधा। अब आगे निकलने का रास्ता, क्यों गए इधर से देख लो, इस तरफ से लेफ्ट से। ये भैया गणेश्वर धाम का दृश्य, कुछ पहाड़ के ऊपर से जस्ट पीछे की तरफ से। इधर गौशाला है, हमारा नीचे जाने का प्लान बन रहा है यहीं तक। यहाँ बीच से बीच में हम चढ़ाई छोड़ के बीच में जा रहे हैं, तो कभी बाद में चढ़ेंगे क्योंकि हमें एनर्जी खत्म होने का डर है थोड़ा सा, क्योंकि हमें दो चार पहले से जोर कवर करने हैं आसपास में। तो अभी हमारा जाने का प्लान है बलदेव दास जी के धाम का, धाम है यहाँ पे, ऐसा कुछ है टोडा दरिया ऐसा कुछ करके है धाम है, जो हमें बलदेव दास जी महाराज गंगा किनारे पर मिले थे, तो उनके वहाँ जाएंगे शायद। और एक और अटप केशव महादेव यहीं पास में ही है, तो वहाँ पर जाएंगे। देखते हैं आगे, बताते हैं आपको जर्नी में जैसे भी हमारा प्लान रहता है। और ये है कुछ ऐसा मनोरम दृश्य गणेशर के ऊपर की पहाड़ी से जा से दृश्य। एक दो रील भी बना लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे स्विगी डॉट वाला के नाम से हमें देख सकते हो। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
चप्पल फंस गई मेरी। दो दिन पहाड़ पीछे पार करके आए हैं और हम खुशखबरी की बात ये थी कि हम पानी लेके नहीं गए थे और याद भी नहीं आया, मेरे को तो याद था और मैंने बताया नहीं जतिन भाई साहब को, और जतिन भाई साहब कह रहे हैं कि बताया नहीं तो ठीक रहा। तो अभी हम नीचे बैठे हैं तो ये कांटे से लेके जाते हैं जिसको हमारी साइड भ्रूट बोलते हैं, ये भ्रूट का बड़ा वर्जन है, हमारी तरफ छोटे होते हैं तो पहाड़ों में बड़े हैं। तो अभी जाएंगे मंदिर की तरफ और उस पानी वानी पिएंगे, फिर शायद टपकेश्वर जी के और बलदेवदास जी महाराज के उस तरफ जाएंगे, देखते हैं जैसे एक विचार बनता है। अभी तो पता नहीं चल रहा थकान का, ये शाम को पता चलेगा। चलो मिलते हैं आगे इसी सेम वीडियो में, अगली वीडियो में जैसा भी हमारा विचार रहता है। तो वर्ल्ड को धीरे धीरे हम व्लॉगिंग करनी सीख रहे हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इतने तब तक चैनल। ये भैया गणेश्वर धाम में ऊपर की तरफ पुराने मकान हैं, हवेलियाँ वगैरह हैं, बहुत अच्छी लग रही है। ये अंकल जी ऊपर से आ रहे हैं तो एक दो हवेली मेरे को ख़रीदनी है यहाँ पर, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ख़रीदने लायक बन सकूँ। तरीका है भीख मांगने का, मोबाइल नहीं देखने इतनी स्क्रीन में। और भाई जी बाला जी क्या हाल है? अंदर इसी दिन आंख निकाल रहा था, मैं डर के अंदर आया सीधा। इनका ये भी पता नहीं कब बुरा मान जाए कब। भाई इट्स टाइम टू से गुड बाय टू गणेश्वर धाम, और कभी बाद में आएंगे हम गोप्रो से रिकॉर्ड करेंगे। और एक शानदार सी हवेली है यहाँ पे, एक प्रांगण सा बना हुआ है शानदार सा, और इधर कुछ पुराने मकान हैं, इधर भाई साहब ने दुकान लगा रखी है, इधर ये बंदर खेल रहे हैं। और मिलते हैं आगे, देखते हैं गणेश टपकेश्वर जा पाते हैं नहीं पाते जा पाते हैं।